अस्सलाम वालेकुम। मैंने हाल ही में मिंत्रा से एक बैग परचेज किया था। ये बैग लावी ब्रांड का है और इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आया है। तो चलिए देखते हैं ये बैग कैसा है। वैसे मुझे ये बैग काफ़ी दिनों से चाहिए था और आपको पता ही है कि लावी एक ब्रांडेड बैग होने के वजह से इसका प्राइस काफ़ी हाई रहता है। तो मैं सेल के लिए वेट कर रही थी और जैसे सेल आ गया तो मैंने फटाफट से ये बैग परचेज कर लिया। वैसे ये बैग कुछ मस्टर्ड येलोइश कलर का है और मैंने इसे परचेज़ करने से पहले सब कुछ देख लिया था कि जबकि ये सेल में दे रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बैग काफ़ी पुराना है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो था डेट एंड डेज और मंथ्स वो काफ़ी नया था और अच्छी तरीके से ये पैकेट करके इन्होंने भेजे थे। और ये एक हैंड हेल्ड बैग है, हर तरीके के ड्रेसेस के साथ चला जाएगा। एक मिनट मैं आपको एक क्लोज लुक देती हूँ। वैसे इसका प्राइस आप देख सकते हैं, आई थिंक 4,290 रुपीज़ है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 1,800 में परचेज किया था। ट्रस्टेड बैग है और ये ब्रांडेड है, तो इसके जो ये चेन के हुक्स है उसमें भी लावी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बैग ओरिजिनल है। ये देखिए, इसमें आपको 3 बड़े कंपार्टमेंट मिल जाएंगे और साथ में ऐसे छोटे छोटे से अंदर आपको काफ़ी जो कंपार्टमेंट है वो मिलेंगे। उसमें आप कॉइन्स रख सकते हैं, सनग्लासेस, बोतल्स वगैरह रख सकते हैं। ये एक स्लिंग बैग भी है इसके साथ, आप बगल में देख सकते हैं, ये एक स्लिंग भी उन्होंने भेजा है। अटैच करके आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हैंड हेल्ड के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कंपार्टमेंट होने की वजह से हम लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम छोटा मोटा कुछ सामान भी डाल सकते हैं, लाइक लिपस्टिक हो गया, मेकअप रिलेटेड कुछ सामान डाल लीजिए, सनग्लासेस, हल्का सा छोटा सा बोतल, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाएगा। भाई मेरे तरफ से तो इस बैग को पूरा फुल थम्स अप है, आप इसे ज़रूर परचेज कीजिए, काफ़ी इसमें कंपार्टमेंट है। अगर आप लोग भी ये बैग परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं फ्लिपकार्ट और अमेजन एंड मंत्रा के तरफ से मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव था कि ये बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे भी लावी एक ब्रांडेड बैग है और एक ट्रस्टेड एक ब्रांड है लावी, और मैं लावी के इससे पहले स्लिंग बैग्स यूज़ कर रही थी और वो काफ़ी अच्छा था और 3-4 साल तो हो ही गए मुझे उसे लेते लेते। तो सोचा इस बार हैंड हेल्ड बैग ट्राई करूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।